ठीक है, और फिर हल्का सा छोड़ेंगे, इन एंड आउट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ क्या करना है, जो मेन पॉइंट है ध्यान रखने का, वो ये कि आपका टिप बॉटम पे रहना चाहिए, ऐसे बॉटम पे। यहाँ तक की करेंगे तो बबल बनेगा, यहाँ पे रहेगा तो बबल नहीं बनेगा, बॉटम पे रहना चाहिए टिप का पॉइंट। लेकिन ऐसे चिपका नहीं देंगे टिप बॉटम से, ठीक है, थोड़ा सा बॉटम और टिप के बीच गैप रहेगा, जिससे लिक्विड उस टिप से निकल सके और अंदर आ सके, ठीक है। नोज में हाइट से आपको परफॉर्म करना है, ये पहले ट्रीटमेंट हो गए, ओके। पहले नोज की हाइट पे लाइए आप लोग, नोज की हाइट पर, ठीक है, ट्यूब ओपन है, पाइपेट सही पोजीशन में होल्ड कर रहे हैं आप लोग, दिखाइए मुझे पहले पाइपेट कैसे होल्ड कर रहे हैं, और ऐसे पाइपेट नहीं करेंगे आप, ऐसे पाइपेट, ठीक है, जिनके पास पतली पाइपेट होगी उस पर पूरा लिक्विड नहीं आएगा, फिर भी आप टिप को बॉटम पे रखेंगे जहाँ पे सेल है डिपॉजिट, ठीक है, बॉटम पे रखिए टिप को, निकालिए मत ट्यूब से, सीधा रखिए बॉटम ट्यूब के अंदर रखिए, ओके। अब आपको 2% लिक्विड को आउट करना है, 2% लिक्विड को देना, 2% लिक्विड को बाहर निकालिए टिप से, और जैसे बाहर निकले सेल बाहर आ जाएगी उसको अंदर ले लीजिए, जो सेल्स है उसको टिप के अंदर लेना है, बाहर निकालना आपको, और टिप के पॉइंट को वॉश करते रहिए, बॉटम नहीं बनना चाहिए, बॉटम पे रहेगा, हाँ Thank you.
और ट्यूब के बाहर नहीं आना चाहिए बबल। बबल अगर बन रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी एक लिमिट है। लिमिट ये है कि वो ट्यूब के बाहर इतना बबल ना बने कि